हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज हम प्याज का रायता बनाने वाले हैं। ये प्याज का रायता खाने के स्वाद को 4 गुना तक बढ़ा देता है। इसे हम बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़े बाउल में दही लिया है। थोड़ा सा खट्टे दही का इस्तेमाल करें, इससे रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को दही में अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैं हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च मत डालिए। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, ये काला नमक है। और स्वादानुसार सादा नमक, जो रेगुलर यूज़ का नमक है, उसे डालेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब रायते में डालने के लिए छौंक तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें सरसों डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब ये तैयार छौंक रायते में डालेंगे। एक बार और रायते को चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अगर